मेहता का उल्टा चश्मा। जडल वो बागा को फोन करके तो पूछो वो कहाँ तक पहुँचा। बागा यहाँ पहुँचा है अय्यर भाई। अरे वो आ गया, आ गया, बागा आ गया, चल आ जा। संकट में फंसे हर मोबाइल के रक्षक हैं आप। थैंक यू सेठानी जी, थैंक यू। तो बताइए कहाँ है पेशेंट? मोबाइल मोबाइल ले ले ले, चल चल चल। एक मिनट बगो भाई। बागा आप पहले ये बताइए आप क्या पियेंगे, चाय कॉफी या कुछ और लाऊं? नहीं सेठानी जी, पहले कमिटमेंट फिर रिफ्रेशमेंट। शांति रख, वेरी गुड। बाका जल्दी से पैर जाने को जिंदा करो। ठीक है अय्यर भाई, कोशिश करता हूँ। कोशिश कोशिश नहीं बागा, कुछ भी करो लेकिन अब भी ये मोबाइल मेरे को चालू करके दो प्लीज। कोशिश करता हूँ फिर कोशिश। अरे भाई उसको पहले एक बार खोल के देखता लेना दो, तभी मालूम पड़ेगा ना कि ये फोन वापस जिंदा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। हाँ हाँ रिलैक्स ना, इट्स ओके, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अंदरूनी मार तो नहीं है। हा? मम्मी सॉरी अय्यर भाई। तो एक मिनट। अरे शांति रखिए अय्यर भाई, जरा उसको देखना तो देख रहा है। तो बागा भाई अभी कुछ लाओ, चाय कॉफी या कुछ और। बागा अरे भाई शांति रख ना, उसका काम करने दे भाई। क्या जल्दी जाना है घर दुकान बंद करके? शांति रख ना भाई, उसका काम करने दे। बागा ये क्या, मोबाइल का किडनी तो बाहर रह गया। किडनी? वो एक्चुअली सिम कार्ड की बात कर रहे। ओह सॉरी सॉरी। ओह बराबर है, बागा भाई ने मोबाइल फोन का पैसेज कहा तो ये सिम कार्ड किडनी हुई ना। हाँ तो जा चालू हुआ नहीं तो अभी। एक मिनट हाँ अय्यर भाई। सेठ जी कभी कभी मोबाइल ज्यादा गर्म हो जाता है ना तो भी हैंग हो जाता है, इसलिए इसे थोड़ा ठंडा करके देखते हैं। नहीं बगा भाई, मोबाइल फोन को थोड़ी देर फ्रिज में रख दो। नहीं नहीं सेठानी जी, अगर मोबाइल ज्यादा ठंडा हो जाता है तो भी हैंग हो जाता है, इसे थोड़ी देर एसी के सामने रखेंगे तो शायद ठीक हो जाएगा। बगो भाई, तो अभी लेकर आऊं चाय कॉफी या कुछ और? नहीं नहीं सेठानी जी, अमिता जी अय्यर भाई एक एक कप कॉफी लेकर आऊं? नहीं नहीं इट्स ओके, थैंक यू सो मच दया भाभी। अरे भाई बंद करो अपनी टपरी, यहाँ किसी को चाय कॉफी कुछ नहीं पीना है, बंद करो दुकान, अभी रात बहुत हो गई है, पुलिस आएगी आपकी रेकड़ी उठा के लेकर जाएगी। हाँ शांति रखो जरा। हो गया मोबाइल चालू हो गया। थैंक यू वेरी मच। अय्यर भाई ये आप क्या कर रहे हैं?
अरे नहीं बागा, इतनी रात को तुम मेरे लिए यहाँ पर आए, मेरा मोबाइल चालू किया, रख लो प्लीज रख लो। हाँ, ले लीजिए ना बागा भाई प्लीज। अरे बबीता जी क्या बोल रहे हैं आप, ये घर की बात है, इसमें पैसे थोड़ी देने होते हैं। हाँ सेठ जी एकदम सही कह रहे हैं, बबीता जी अय्यर भाई ये पैसे ऑफर करके आपने तो मुझे एक ही पल में पराया कर दिया। ओ भाई अभी तो नीचे उतरेगा या ऊपर से ही घर चला जाएगा। चल 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 अभी नीचे उतर भाई। थैंक यू वेरी मच बागा, थैंक यू सो मच बागा, तुमने मेरा पूरा टेंशन दूर कर दिया। थैंक यू सो मच बागा भाई, थैंक यू सो मच जेठा जी। अरे बबीता जी कभी भी आधी रात को भी कुछ भी जरूरत पड़े आप बेझिझक मुझे बताना, सब हाजिर हो जाएंगे। टप्पू के पापा, बागा भाई, अय्यर भाई, बबीता जी अब हो जाए बोलो। हां भैया चलो, इसका मान रखने के लिए थोड़ी थोड़ी चाय कॉफी सब पी लेते हैं। ओके ठीक है चलेगा। हाँ हाँ सेठानी जी हो जाए। हाँ हो जाए रे भाभी। अरे वाह, तो भी बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अरे अब्दुल भाई हम लोग आपके पास ही आ रहे थे। क्यों? आपसे एक जरूरी काम था, आप बिजी तो नहीं हो ना? अरे टप्पू अगर अब्दुल भाई बिजी भी है तो भी टप्पू सेना के लिए नहीं, बोलो क्या काम है? अब्दुल भाई ये नोटिस सबके घर पे पहुंचानी है। हाँ। क्यों? कोई गड़बड़ होने वाली है क्या? नहीं अब्दुल भाई, आज तो धमाल होने वाली है, गोविंदा की तैयारी है। गोविंदा की? हाँ। ओए गोविंदा, लेकिन टप्पू तूने तो कहा था कि हमें कृष्ण भगवान के जन्मदिन का सेलिब्रेशन करना है। अरे गोगी, भगवान कृष्ण के कई सारे नाम है, जैसे कि गोविंदा, गिरिधर, माखन चोर, द्वारकाधीश, नंदलाला, माधव, कन्हैया, मुरलीधर, मुरारी, मोहन, श्रीनाथ जी। वो इतने सारे नाम, तो उनका आईडी कार्ड किस नाम से बनेगा? गोगी भगवान को आई कार्ड की कोई जरूरत नहीं होती। अरे टप्पू सेना नोटिस दो। यस। अभी जाता हूँ और फटाफट सबको पढ़वा कर लाता हूँ। कहते टप्पू सेना ने मुझे नोटिस भेजा है, गोकुलधाम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी को। देखा माधवी, मुझे लगता है नक्की है टप्पू की कोई नई शरारत है। वो ऐसे कहा है, पहले पढ़िए तो सही क्या लिखा है, अब तो रुमाल देखकर ही चादर बना देते हो। वाह क्या उदाहरण दिए है। जन्माष्टमी उत्सव, आज जन्माष्टमी की रात को कृष्ण जन्म और रासलीला का आयोजन किया गया है, सबको सपरिवार आना है, एकमेव टप्पू सेना। बगा बच्चों ने आपका काम अपने सर पर ले लिया और आप कहते हो कि शरारत कर रहे। वो जी रासलीला जानी बल्ले बल्ले। ओए आज तो मैं कृष्ण भगवान के सामने ऐसा भंगड़ा करूंगा कि सभी एक ही बात बोलेंगे, सिंग इज किंग। ओए अब्दुल खोज की तय है। ओए बल्ले बल्ले, ओ छावा छावा, ओ बल्ले बल्ले, ओ छावा छावा, ओए आजा मेरी जान। रोशन, अरे रोशन छोभी जा, अरे इनको दूसरे के घर पे भी जाना है, नीचे मुक इनको। सॉरी अब्दुल भाई। नहीं अच्छा लगा। सॉरी यार। ये आपका नोटिस। मेहता साहब नोटिस। क्या नोटिस लिया अब्दुल भैया? अब्दुल भैया आप भी ना, आप मुझे वो मैटर बता रहे हैं जो मैटर बच्चों को मैंने ही लिख के दिया है। हाँ अब्दुल भाई, हमें पता है प्रोग्राम के बारे में और कृष्ण भक्ति के रंग में रंगने हम जरूर आएंगे। ये क्या है अब्दुल, बच्चों ने नोटिस में मेन बात लिखी नहीं है। कौन सी बात आती भाई? भगवान जी को प्रसाद चढ़ाने के बारे में तो कुछ लिखा ही नहीं है। क्या चढ़ाना है? लड्डू, पेड़े, मक्खन, गुलाब जामुन, कौन कौन से फल आएंगे, कितनी कितनी क्वांटिटी में आएंगे, ये सारी बातें क्लेरिफाई होनी चाहिए ना। कुछ भी क्लेरिफाई नहीं किया है टप्पू सेना ने, उनको बोलो ऐसा नहीं चलेगा। गोली का भी आजकल ध्यान नहीं रहता। आती भाई प्रसाद चढ़ाना या खाना है? अरे अब्दुल मियाँ, जब प्रभु जी हमें इतना खुश रखते हैं तो हमें भी उन्हें खुश रखना चाहिए ना, क्यों सही बात है कि नहीं? सही बात है, एकदम सही बात है। सही बात है। आज जन्माष्टमी की रात को कृष्ण जन्म और रासलीला का आयोजन किया गया है, सबको सपरिवार आना है, एकमेव टप्पू सेना, आज ऐसा जमाएंगे रंग पूरी दुनिया हो जाएगी दंग। वाह 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 दया, कभी कभी टप्पू ऐसा काम करता है।
हैं अब्दुल, क्या गर्व से मेरी छाती दुगनी हो जाती। जेठा भाई आपका बटन। नहीं नहीं मुझे बटन दीजिए, मैं वापस आपके शर्ट पर लगा देती हूँ। अरे टप्पू के लिए तो ऐसे कई बटन कुर्बान कर सकता हूँ अब्दुल। हाँ हाँ बराबर बराबर है, मैं चलूँ? हाँ। वो क्या है ना, और लोगों को भी अपने बटन तोड़ने होंगे। मेरा मतलब है कि और लोगों को भी ये नोटिस पढ़वानी है। हाँ निकल निकल निकल, थैंक यू। हाँ ओके, हाँ लाइव बटन। हाँ हाँ। जन्माष्टमी के त्योहार की तो बात ही कुछ और है, नहीं थे? कृष्ण जन्म, भजन, डांडिया रास, कितना मजा आता है नहीं? अरे टप्पू के पापा, हमारे जन्मदिन पर हमें इतना मजा आता है तो ये तो भगवान का जन्मदिन है, उसमें तो मजा आएगा ही ना। क्या कर रही है दया, सुई पे ध्यान दे। हाँ, सॉरी टप्पू के पापा, आज भजन कीर्तन करेंगे और कल सब गोविंदा मटके फोड़ेंगे, मजा जाएगा। अरे तू क्या कर क्या रही है, ये बटन मेरे शर्ट पे सी रही है, डायरेक्ट मेरी छाती पे सी रही है। सॉरी सॉरी, बस ये हो ही गया, हो गया। हाँ। मैं चलूं दुकान। हाँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र मक्खनलाल। अभी जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर माने आपका नया नाम रखा है मक्खनलाल। तेरी माँ भी ना। टप्पू के पापा, अब मेरा एक थोड़ा काम करेंगे प्लीज? वो क्या है, आज मैं नटखट कानूडा के लिए अपने हाथों से मक्खन बनाने वाली हूँ। तो मेरे पास टाइम नहीं है, तो प्लीज आप दुकान से आते हो मेरी साड़ी लेकर आएंगे, फॉल बेडिंग के लिए दी है। जरूर, और कोई हुक्म? और आज आपको दुकान से जल्दी आना है, समझे मक्खनलाल? ये गोगिना सबसे छोटा है लेकिन सबसे बदमाश है। अरे बच्चों वो सब बाद में, पहले मुझे ये बताओ कि कृष्ण जन्म की तैयारी कहाँ तक पहुँची? दादाजी अब्दुल भाई ने सबको नोटिस पढ़वा दी है, पंडित जी शाम तक आ जाएंगे और भजन कीर्तन करने वालों को भी बुला लिया है। अरे वाह वाह वाह, और बच्चों वो ढोल पखावज मंजीरा इनकी व्यवस्था हो गई कि नहीं? हाँ दादाजी हो गई। अरे वाह शाबाश शाबाश, और दादाजी फूल और डेकोरेशन वाले भी शाम को आकर तैयारी शुरू कर देंगे और उसके बाद हम सब घर जाकर डांडिया रास के लिए तैयार होकर आएंगे। अच्छा दादाजी, मैंने सुना है कि कृष्ण भगवान बचपन से बहुत स्ट्रांग थे और उन्होंने काली नाम के एक ड्रैगन को भी मारा है। अरे गोगिड़ा, वो तो ड्रैगन से भी बड़ा नाग था, सात मुंह वाला नाग, कालिया नाग। अरे भगवान श्री कृष्ण ने तो ऐसे ऐसे कारनामे किए कि पूरी दुनिया में ऐसे कारनामे कोई नहीं कर सकता। और दादाजी आई कहते थे कि एक बार उन्होंने गांव वालों को बचाने के लिए पूरा पर्वत उठा लिया था। हाँ तो बिल्कुल सही बात है, गोवर्धन पर्वत। बच्चों तुम्हें पता है एक बार इंद्र भगवान गोकुल के गांव वालों पे गुस्सा हो गए, उन्होंने बादलों को आदेश दिया कि जाओ जाकर गोकुल नगरी पर ऐसे बरसो कि पूरी गोकुल नगरी में बाढ़ आ जाए, सब बाढ़ में डूब जाए। फिर क्या हुआ? अरे फिर क्या, फिर तो गोकुल नगरी पे ऐसी बारिश हुई कि पूरी गोकुल नगरी पानी पानी हो गई, पानी के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। फिर सारे गांव वाले बाल गोपाल श्री कृष्ण के पास गए और उनसे कहा कि श्री कृष्ण हमें बचा लो, हम लोग डूब जाएंगे, हम लोग मर जाएंगे। फिर बाल गोपाल श्री कृष्ण सारे गांव वालों को गोवर्धन पर्वत के पास ले गए और फिर भगवान श्री कृष्ण ने एक उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया ऐसे। फिर सारे गांव वाले गाय बैल सब ने गोवर्धन पर्वत के नीचे आश्रय ले लिया और सबकी जान बच गई। वो तेरी पूरा पर्वत ऐसे उंगली पर उठा दिया, ऐसा तो दुनिया का कोई सुपर हीरो नहीं उठा सकता। हाँ तो कितना मजा आया होगा ना, वो पर्वत पे जो पेड़ होंगे उन पर जो फल होंगे वो भगवान ने पेट भर के खाए होंगे ना। क्या गोली, पूरा दिन खाना खाना खाना, कभी तेरा पेट नहीं भरता क्या? नहीं। अरे फ्रेंड्स आज शाम को तो बहुत मजा आने वाला है, भजन कीर्तन रासलीला, सो गेट रेडी।
और भगवान कृष्ण स्पोटे। तो बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कैसा लग रहा हो? खूब भाई। पासरी थोड़ी खाली। पासरी जाने दो, मैं कैसे लग रहा हूँ? ये देखो। बस तो एकदम छान, बिल्कुल भगवान कृष्ण के जमाने के लग रहे हो। वाह। कोकुल के ग्वाले। लेकिन मेरी गोपी कब तैयार होगी? बस जा ही रही हूँ मेरे एकमेव ग्वाले। लेकिन तब तक मैं क्या करूंगा? गाय चराइए। वाह वाह, एकमेव ग्वाले। कहीं नहीं, ग्वाला था तोल ग्वाला। ए, गेला गेला कठिने। टप्पू के पापा अभी तक क्यों नहीं आए? हेलो। हाँ टप्पू के पापा, आप कहाँ हो? अरे आ गया भाई, आ गया आ गया आ गया आ गया। टप्पू के पापा कितनी देर? आपको पता है मेरी माँ हमेशा कहती है धर्म के काम में कभी ढील नहीं करनी चाहिए। अच्छा। हाँ। लेकिन मेरे बापूजी हमेशा कहते हैं कि कोई भी काम उतावड़ में फटाफट नहीं करना चाहिए, एकदम आराम से चौकसाई से करना चाहिए, फिर भले थोड़ी देर हो जाए। ए भाई, मैंने ऐसा कब कहा? नहीं नहीं बापूजी, मैं खाली टिखड़ कर रहा था, मस्ती। मेरी टिखड़ करता है, मैं तेरे जितना हूँ। सॉरी सॉरी बापूजी, सॉरी। मम्मी पापा। अरे मम्मी पापा, ये क्या, अभी तक हम लोग तैयार नहीं हुए, प्रोग्राम शुरू होने वाला है। बेटा पंडित जी आ गए? नहीं दादाजी, वो आते ही होंगे। मम्मी पापा जल्दी तैयार होकर नीचे आ जाएगी। दादाजी चलिए चलिए, मम्मी जल्दी। हाँ ये भाई, ये ले तेरी फोल्डिंग साड़ी। फोल्डिंग? मेरा मतलब फुल बिल्डिंग वाली साड़ी। चल चल अभी मेरे कपड़े दे, फटाफट तैयार होकर नीचे जाते। हाँ हाँ चलिए जल्दी। टप्पू के पापा, आज तो ऐसी रासलीला करेंगे ना कि मजा आ जाएगा। नंद घेरा नंद भया, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा बाल की, कन्हैया लाल की। सजावट की आज तो ऐसा लग रहा है सचमुच जैसे गोकुलधाम नहीं हो बल्कि हम गोकुल में ही खड़े हूँ। एकदम करेक्ट कहा मैं दादा बाप। और वैसे टप्पू शेरा की क्या बात कर रहे हैं, हम लोगों को देखो, हम कोई ग्वालों से कम थोड़ी लग रहे हैं। सही बात है मेहता साहब, हम लोग कृष्ण जन्म मना रहे हैं तो उनके रिश्तेदार जैसे दिखने चाहिए ना। सही बात है, बिल्कुल बराबर बोल रहे आदि भाई। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय यमुना नदी में बाढ़ आई थी और नंद के घर आनंद छाया था, ठीक उसी तरह यहाँ इस वक्त गोकुल धाम में भक्ति की बाढ़ आई हुई है और सभी के दिलों में आनंद है। भाई टप्पू सेना ने कृष्ण के जन्म के उत्सव की शानदार तैयारियां जो की है, अब देखिए तो यहाँ तो अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी तो भगवान श्री कृष्ण के जन्म के उत्सव बाकी है, अभी तो रासलीला बाकी है। हमारे भगवानों में से सबसे ज्यादा शरारती और नटखट बाल गोपाल का रूप है, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ कृष्ण जन्मोत्सव के दौरान गोकुलधाम में कोई शरारत नहीं होगी? भाई जरूर होगी, लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं आपको अभी बताने वाला नहीं हूँ, लेकिन एक छोटी सी जानकारी जरूर दूंगा आपको जो बेहद सुखद है। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तब भी बुधवार था, और इस वर्ष जब जन्माष्टमी आ रही है तब भी बुधवार है। ऐसा सुखद और शुभ संयोग कभी कभी आता है। इस शुभ और सुखद संयोग की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और जन्माष्टमी की बहुत 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 शुभकामनाएं। एक बार फिर से यही कहूंगा कि क्या होने वाला है ये जानने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, देखना है मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। कहना है हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.